देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आगामी 26 अप्रैल को होने जा रही है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर बात करें बांसवाड़ा की तो यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के मंत्री रहे अर्जुन बामनिया के पुत्र उप जिला प्रमुख विकास बामनिया और विधायक रमीला खड़िया के पुत्र रोहित खड़िया की मौजूदगी बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत की नामांकन रैली में रही, इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस किसी प्रत्याशी को यहां से नहीं उतारे, और उतार भी देगी तो वह सिर्फ डमी की तरह ही सामने होगा। बांसवाड़ा की सड़कों पर इतना हुजूम आज से पहले नहीं देखा गया। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जैसे गगनचुंबी नारे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। सजे धजे ऊंट पर सवार होकर राजकुमार रोत ऐसे लग रहे थे मानो वह दूल्हा हो और बाकी सब बाराती। नामांकन के बाद आयोजित सभा में बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत ने कहा कि अब जनता के पास विकास की चाबी है, उसे ही देखना है किसका ताला खोलना है और किसे ताले में बंद करना है। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बांसवाड़ा के जनमानस के साथ धोखा किया है, जिसका गुस्सा और आक्रोश ईवीएम में दिखेगा। देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया के पुत्र उप जिला प्रमुख विकास बामनिया और कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के पुत्र रोहित खड़िया की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस भी बाप के साथ है। इलाके की बड़ी पार्टी बीटीपी ने भी बाप को समर्थन दे दिया है। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही है। भाजपा और मोदी के विजन से मैं चला गया। इस मंच के माध्यम से मैं ऐसे नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ और कांग्रेस की पार्टी के अंदर खा पी के बढ़ पढ़ के बड़पन से लगा के सांसद तक बने, मंत्री तक बने, उन बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया। वडील आए हैं और साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है बांधे थे, लेकिन इन बड़े बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, इनके सपनों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करके, और इन लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस को धोखा देके भाजपा में चले गए और कहने लगे, ये 2 महीने पहले तो बोल रहे थे कि भाजपा चुनावबाज है, तो स्थापित होगी इस बांसवाड़ा के अंदर। इन महापुरुषों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। इस देश की जो चाबी है
आम जनता के हाथ में दी और वो चाबी के रूप में ये वोट दिया है हमें। और इस बार ये लोकतंत्र की इस चाबी का ऐसा उपयोग करना है कि जो नेता इंडिकेटर से भाग गए हैं उनका ताला हमेशा के लिए लॉक हो जाए, इस तरह से इस बार इस चाबी का उपयोग करना है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर का आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज मेरा जनता की भावना के अनुरूप मेरा नामांकन दर्ज हुआ। और मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाए हर तरफ से, क्योंकि आज तक यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर देखा जाए, पूरे उदयपुर क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें देखा जाए कि पूर्व कई नेताओं ने पार्टियों के नाम से सिर्फ गुमराह किया और समय आने पे उनके व्यक्तिगत हित को देखते हुए पार्टियां बदलने का भी काम किया, तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये वोटिंग में तब्दील होगा और एक शानदार परिणाम आएगा। और इस क्षेत्र के अंदर ये एहसास कराएगा, भले कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां हो, जिस तरह से इधर इधर ईडी के डर से लोगों को या ईडी के डर से जो लोग भाग रहे हैं उनको एहसास कराएगा कि ये देश लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ में इस देश को चलाने की चाबी है और वो प्रत्येक 5 साल में जनता को अवसर देती है। तो इस बार ये अवसर आया है, जनता एहसास कराएगी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, ये देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं, ये इस बार एहसास कराएगी इस डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र की जनता। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, एक जिस तरह से महेंद्र जीत मालवीय, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो कांग्रेस में रह के यहाँ के लोगों को इतना, इन लोगों के साथ इतना, मतलब कहते हैं कि अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, तो वास्तविक जो सच्चा कांग्रेसी है वो चाहता है कि उनको सबक सिखाए। इसलिए कई साथी हमारे, कांग्रेस के कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ समर्थन में हैं। कांग्रेस के हाईकमान में अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस या बीएपी का चुनाव नहीं रहा है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव रहा है और हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, कांग्रेस के लोगों के साथ अन्याय हुआ इस क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य के क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ, जो भी एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी जनरल कोई भी वर्ग है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि चुनाव बीजेपी कांग्रेस या बीएपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव में ये एहसास कराना है कि ये देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं रही। इसलिए कई लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं और हम उनका स्वागत तहदिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। आइए एक्सप्लोर करते हैं स्टोर को। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिल जाएगा एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी रेंज। अगर आपका बजट कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना आधार कार्ड लाइए और 0% इंटरेस्ट के फाइनेंस पे अपना प्रोडक्ट ले जाइए। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। फर्नीचर में आपको मिलेगा प्रीमियम सोफा, बेड विद सुपीरियर क्वालिटी मैट्रेस, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड और काफी सारे आइटम्स। ये काफी स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, यू मस्ट प्लान अ विजिट टू दिस स्टोर। आइए चलते हैं किचन गैलरी की तरफ। तो ये है कुचिना की किचन गैलरी, जो कि उदयपुर में सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चिमनी, हॉब एंड बर्नर, डिश वॉशर, ओटीजी ओवन और भी बहुत सारी चीजें जो बनाएंगे आपके किचन को बेहतर। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है, आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0।